नमस्कार दोस्तों, भाग्यलक्ष्मी का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। बलविंदर ने ऋषि को बेहोश करके किडनैप कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बलविंदर पहले ही प्लान बना रहा था कि ओबेरॉय मेंशन में इस बार दशहरे पर एक नहीं बल्कि दो रावण जलेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी का रावण तो ऋषि ही है जो लक्ष्मी को मेरे से छीन कर ले गया। ओबेरॉय फैमिली में दशहरे की तैयारी बहुत जोरों पर थी। वहीं बलविंदर भेष बदलकर लेबर वाले के रूप में आता है और मौका ढूंढता है ऋषि को बेहोश करने का, लेकिन चारों तरफ सब लोग तैयारी में लगे होते हैं तो उसे मौका नहीं मिलता। तो बलविंदर ऋषि के कमरे में रखे फूलों में बेहोश होने की दवाई डाल देता है और जैसे ही ऋषि अपने कमरे में जाता है और फूलों की खुशबू लेता है वो बेहोश हो जाता है। फिर बलविंदर ऋषि को अपने कंधे पर उठाकर रावण के पुतले के बीच ले जाता है और वहाँ बांध देता है। लक्ष्मी समेत आयुष सालू सब लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि ऋषि मिल क्यों नहीं रहा। और वहीं दोस्तों आपको बता देते हैं, लक्ष्मी के हाथ लगा एक खास सबूत जिससे शायद लक्ष्मी ऋषि तक पहुंच जाएगी। जब बलविंदर ऋषि को कंधे पर ले जा रहा होता है तो ऋषि की जेब से कुछ सामान गिर जाता है और लक्ष्मी उसे पहचान लेती है और कहती है कि ऋषि जरूर इसी दिशा में गया होगा। तो ऐसे में देखना यही होगा दोस्तों कि कितना जल्दी लक्ष्मी ऋषि तक पहुंचती है और बचा लेती है। और वहीं हमें देखने को मिलेगा ऋषि को बचाते ही बलविंदर का प्लान खत्म हो जाएगा और फिर बलविंदर के साथ साथ मलिष्का की सच्चाई भी आ जाएगी सामने। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है दोस्तों, तब तक हमसे जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों।